हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे रिलेशंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट मींस क्या हो गए, ऐसे टू एंगल जिनका सम किसके इक्वल हो 90, ठीक है, जिसका सम किसके इक्वल हो 90 है, तो वो कौन सा कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन और जो हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज का वो मैं कर देता हूँ, उसके बाद इसके फॉर्मूले लिखता हूँ और क्वेश्चंस ड्राइव कर। आईडी शर्मा का एक क्वेश्चंस, किसका, आईडी का क्या गिवन था, इफ थीटा इज एन एक्चुअल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू, किसकी फाइंड द वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है, टेन सेवन थीटा प्लस कॉट सेवन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए आप, देखिए क्या गिवन है, सॉल्व किया हमने, गिवन क्या है, क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू, ठीक है। सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करें, टेन थीटा ऐसे ही रहने दें, कॉट थीटा किसका अपोजिट है, 1/10, तो कॉट क्या है, 1/10 थीटा लेंगे, इसका आगे क्या करें, टेन थीटा एलसीएम ले लें, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन से टेन कटा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2, क्या आएगा, टेन थीटा, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते, तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 टेन थीटा, ठीक है, ये आ गया। इसको एक साइड ले आए तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये इधर ले आओ तो इसको बीच में ले आओ, मिडिल टर्म बना दो इसको, 2 टेन थीटा प्लस 1, ऐसा लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि इसको आइडेंटिटी, आपको ध्यान आ जाएगी आइडेंटिटी, इसको बनाएं तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 2, इसमें क्या आ गया, फर्स्ट टर्म टेन थीटा आ गया, सेकंड टर्म इसकी क्या आ गई, 1 आ गया और 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी, भाई फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म एंड 2 सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, किसकी हो जाएगी, टेन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ध्यान आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी ये टेन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इट मींस क्या हो गया, ये टेन थीटा, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0, इट्स मींस क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 वैल्यू किसकी में होती है, टेन की किसकी वैल्यू होती है, 1 ये किसकी होती है, टेन किसकी होती है, 45 डिग्री, ठीक है, किसकी होती है, 45, दोनों तरफ से 10 हटा दिया हमने, ठीक है, लेफ्ट के, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी, क्या फाइंड आउट करना है हमें, टेन सेवन थीटा प्लस कॉट सेवन थीटा की वैल्यू, ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, टेन सेवन थीटा प्लस कॉट सेवन थीटा, ये फाइंड आउट करना, थीटा की जगह क्या ले लें, 45, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 45, ठीक है, प्लस कॉट 45, और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, 7, कॉट 45 1 की पावर कुछ भी हो,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल किसके होती है, वन के इक्वल होती है। वन प्लस वन इट्स मीन्स क्या हो गया, टू, ये इसका आंसर। बीस पंद्रह बीस मिनट इसके बाद इसके ऊपर चलें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पहले फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, एग्जांपल देते हैं और उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करते, ठीक है। फर्स्ट देखिए, मैंने कहा कप्लीमेंट इट मींस ऐसे दो एंगल जिसका सम कितने के इक्वल हो, 90, तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं, कप्लीमेंट एंगल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इट्स मींस क्या हो गया, ये साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और एंगल यही आ जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इसका देता हूँ, साइन 90 माइनस 20, ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस में, किस में करो, कॉस में, और एंगल यही लिखना, ठीक है, एंगल यही, तो कॉस कितना आ गया, 20 डिग्री, ठीक है। इसका फर्स्ट का एग्जांपल हो गया, सेकंड वाला देखिए आप, कॉस 90 माइनस थीटा इट मीन्स क्या हो गया, ये कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस 23 इट मीन्स कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, देखो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, कॉस किस में हो गया, साइन 23, ये वाला एंगल आएगा, एंगल चेंज नहीं होगा, जो यहाँ पे एंगल होता है उसी एंगल को सेम प्रोसीजर में इसी तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाला देखिए, तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया, साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो रहा है साइन में, ठीक है। थर्ड टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू टेन किस में होगा, कॉट कॉट थीटा, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टेन 90 माइनस 15 डिग्री, तो क्या लिखें हम, क्या कर दें इसको, कॉट लिखें और कॉट के साथ एंगल 50 डिग्री, ऐसे कॉट के साथ एंगल 50 डिग्री इसी तरह से हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब थर्ड हो गया ये, थर्ड इसका फोर्थ वाला देखिए आप, टेन हो गया हमारा, अब क्या इसके साथ अपोजिट कौन होता है, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा इट्स मीन्स क्या हो गया, ये कन्वर्ट किस में होगा, टेन में, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कॉट 90 माइनस कितना, 90 माइनस 30, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, टेन, तो आप इसको टेन 30 डिग्री लिखा सकते, ठीक है। फिफ्थ वाला नेक्स्ट, फिफ्थ देखिए, सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपस में चेंज हो गए, ठीक है, साइन कॉस में, कॉस साइन का अपोजिट, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, टेन कॉट का अपोजिट और कॉट टेन का, अब क्या रह गया, सेक 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 90 माइनस थीटा इट्स मीन्स क्या हो गया, सेक किसमें हो गया कन्वर्ट, कॉस सेक किसमें, कॉस सेक थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं हम, सेक सेक कितना, 90 माइनस 72, ठीक है, सेक कन्वर्ट कर दो किस में, कॉसेक, सी ओ एस ई जी, कॉसेक 72 डिग्री, ठीक है, सेक कन्वर्ट किस में हो गया, कॉसेक, ठीक है। और लास्ट सिक्स, ठीक है, कॉसेक लिखा हुआ यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इट मीन्स क्या हो गया, सेक थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दें आपको, कॉसेक 90 माइनस 24 इट मीन्स क्या हो गया, ये सेक 24 डिग्री, ठीक है। ये हमने आपको चेंज करना सिखा दिया, किससे, किस एंगल से, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से, जो छोटे वाले एंगल होते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग तो चली गई शायद, देखना सेट कर चल रही क्या थोड़ा हल्का सा। अरे गड़बड़ी तो यही अभी ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैमरे में, हल्का सा देखता हूँ सही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का क्या आंसर ले लें, फर्स्ट पार्ट ले लें, फर्स्ट पार्ट में ले लें क्या गिवन है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करना है इसको निकालने, मान किसका, साइन 18 अपॉन कॉस 70। देखिए इसको दो, इस क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, टू मेथड हो सकता है, फिर फर्स्ट में न्यूमरेटर चेंज कर दो और सेकंड में डिनोमेटर चेंज कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ले, ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें, साइन 90 माइनस थीटा ये चेंज कर रहे हैं तो इसके पास वाले नंबर को 90 में से सबट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा सभी बच्चों को, ठीक है ऑल स्टूडेंट, ठीक है इसको लर्न कर लीजिए। अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसके पास वाले नंबर को 90 में से सबट्रैक्ट किया जाता है, और ये ऐसे कैसे लिख दिया, साइन किस में हो गया, कॉस में हो गया, कॉस कितना हो गया 72 डिग्री अपॉन कॉस 72, ठीक है। इनका सभी का आंसर्स एक, एक प्लस एक दो, या सेकंड मेथड इसका, ठीक है, या जी ऐसे आंसर्स आते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन 18 है अपॉन कॉस 72 है, ठीक है। अब न्यूमरेटर नहीं डिनोमेटर चेंज कर रहे थे, साइन 18 ऐसे लिख दिया, डिनोमेटर चेंज करो तो कॉस किससे चेंज होता है, 90 माइनस, ठीक है, पास वाला नंबर, इसके पास वाला कौन सा है 18, तो ये 18, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये साइन 18 हो गया ऊपर, और ये कॉस किस में कन्वर्ट हुआ, साइन में, साइन 18 इससे ही कटा, तो ये ठीक है। दोनों मेथड अच्छे, कोई सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो न्यूमरेटर वाला चेंज करने वाला या डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है सेकंड। अब एक मेथड से ले लेंगे आप, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने दोनों न्यूमरेटर अलग चेंज करके बता दिया और डिनोमिनेटर को अलग चेंज कर, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का पार्ट सेकंड, क्या ये 10 26 अपॉन कॉट 64, ठीक है, हम इसका न्यूमरेटर चेंज कर लें, 10 90 माइनस क्या लिखते हैं, पास वाले नंबर, पास वाला नंबर इट मींस इसको छोड़ दें ये, तो 64, देखिए ध्यान से देखिए, मैं साफ सुथरा बता रहा हूँ, इसको बदलना है तो पास वाले नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे 90 में से, ठीक है, कॉट क्या लिख दिया 60, अब देखो 10 कन्वर्ट हो गया किस में, कॉट 64 ये वाला आता है, इसके साथ ये एंगल आता है, और कॉट 64 इससे ही कटा, तो इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है, इसका पार्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड में क्या गिवन है, कॉस 48, कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, हमने कहा किसी एक नंबर, तो कॉस क्या फर्स्ट वाले को चेंज कर दे, 90 माइनस पास वाला कौन सा है 42 माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला एक देखिए, और इसका फोर्थ में क्या है, कॉस एक
कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। हमने कहा कोई एक को चेंज करें, कोसेक ऐसे लिख दिया 31, चेंज इसको कर रहे हैं तो सेक क्या लिखें 90 माइनस, इसको छुपा लो, इसके पास वाले नंबर को सबट्रैक्ट करो 31 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री माइनस कन्वर्ट किस में हो गया है, कोसेक 31, ठीक है, इसे ही कटा तो इसके लिए वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट है, क्वेश्चन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिपीट हो रहा है एग्जाम, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें, इसमें मल्टीप्लाई के रूप में क्वेश्चंस को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या गिवन है, 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री, ठीक है, और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, 10 कितना है 48 है, फिर इसके बाद क्या गिवन है आपके पास, क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया है 10 23 दिया है, 10 42 दिया है और 10 67 दिया है। इसमें किन्हीं भी दो एंगल ऐसे लीजिए जिसका सम कितना हो 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें किसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को चेंज करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट्स मींस ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90, तो ऐसे दो एंगल सेलेक्ट कीजिए आप पास पास, जिसका देखो 48 और 42 ये 90 हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड इनको पास पास ले लो 10 48 और 10 42, ठीक है, साथ में 10 23 और 10 67, ठीक है, लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने आपको कहा किन्हीं दो गुणों में से किन्हीं एक को चेंज करना, या तो इस वाले को चेंज करिए या इसको करिए, जब चेंज करते हैं तो 90 माइनस ये वाला चेंज करते 42 आएगा, और इसको करेंगे तो 90 माइनस 48 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख दें 10 90 माइनस क्या लिख दें आप 42 और 10 42 लिख दें, ठीक है, इन दोनों में से एक को करें चेंज तो 10 90 माइनस कितना लिख दें 67 और या 10 67 लिख दें। 10 किस में कन्वर्ट हो गया, 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में, कॉट 42 डिग्री इंटू है ये मल्टीप्लाई 10 42 ऐसे लिख दो, ये किस में हो गया कॉट में, कॉट कितना हो गया 67 डिग्री और ये 10 67, ठीक है। देखिए आप कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, तो कॉट को 1/2 क्या लिख सकते हैं 10 42 डिग्री, ठीक है। कॉट रिलेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान